हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव 07 ब्लॉग्स पर आप सभी लोगों को फिर से एक नया वीडियो पे स्वागत है। और गाइस, ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना। और गाइस, आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो गाइस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो गाइस, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्कूटी पे अपना पेट्रोल वेट्रोल भरा के उसका बाद आप लोगों को बता रहा हूँ गाइस। ये वीडियो में बने रहना, हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। तो ये है नारंगी। तो यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं पानी खेती ट्रेनिंग सेंटर, जो कि पुलिस आर्मी उन लोगों को रनिंग का फिजिकल ट्रेनिंग होता है वहाँ पर ना। तो वहाँ पर फिजिकल होता है, तो बाहर बाहर का जो जैसे नलबारी उसके बाद रंगिया ये सब बाहर बाहर का लड़का लोग आके यहाँ पर रनिंग देने के लिए आता है। तो उस जगह पे आप लोगों को मैं आज लेके जाऊंगा। तो गाइस, वीडियो एंड तक आप लोग देखते रहना। पानी खेती ट्रेनिंग सेंटर, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा ये वीडियो से, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अभी पहुंच चुके हैं कलमपर बाज़ार। देखिए साइड में विशाल मार्केट है। तो यहाँ से और ज़्यादा दूर नहीं, 5 किलोमीटर है ट्रेनिंग सेंटर। तो अभी हम लोग कलमपर में है, नारंगी कलमपर, तो देख सकते हैं। तो यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। अभी हम लोग डाउनटाउन रेलगेट डाउनटाउन क्रॉस किया, यहाँ से पवित्रा 32 किलोमीटर है, यहाँ से पवित्रा 32 किलोमीटर है। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ से और ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 किलोमीटर होगा रनिंग होगा। तो गाइस, अभी पहुँचने वाले हम लोग लोकेशन जहाँ पे हम लोग आए हैं ट्रेनिंग सेंटर। तो इसी रोड से होके आप लोगों को आना पड़ेगा, तो देखते रहिए वीडियो। तो अभी हम लोगों को ट्रेनिंग सेंटर का जो मेन गेट है वो दिखेगा। अंदर तो जाने नहीं देगा हम लोग को आज, क्यों? कि अंदर में एग्जाम चल रहा है तो अंदर जाने नहीं देगा बोले। तभी भी मैं आप लोगों को फुल ट्राई करूंगा दिखाने के लिए। ये रहा, तो ये रहा, रुक जा भाई थोड़ा, ये रहा गाइस ट्रेनिंग सेंटर का जो मेन एंट्री गेट, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलो यहाँ से ही जा सकते हैं। चलो यहाँ से हम लोग थोड़ा अंदर जाएंगे। तो अगर आप लोग कभी भी यहाँ पर ट्रेनिंग आप लोगों को गिरेगा तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देख लेना। हम अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमारा ट्रेनिंग नहीं है आज, मेरा 17 तारीख को ही है। तो यहाँ पे 17 को मेरा ये भाई का ट्रेनिंग है। यहाँ पे ये यहीं पे होगा ना तुम्हारा? हाँ, यही है। तो इसी लोग इस जगह में गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं आप इस जगह में। और यहाँ पे पार्किंग करने का चार्ज लगेगा आप लोग का 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ समथिंग। जिस दिन ट्रेनिंग होगा उस दिन चार्ज लगेगा ना? हाँ, अभी तो चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे पुलिस जाने अंदर नहीं देगा हम लोग को फिलहाल। यहाँ पर यहाँ से सिक्योरिटी है, यहाँ पर जाने नहीं देगा अंदर। तो मेरा भाई कहाँ ट्रेनिंग करेगा तुम? अभी हम अंदर करेंगे। तो गाइस, अभी हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ से हम लोगों को एंट्री करने नहीं दिया ट्रेनिंग सेंटर का अंदर। तो हम लोग अभी दूसरा गांव का अंदर से जा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी वहाँ पर फ़िलहाल लड़कियों का कुछ फिजिकल ट्रेनिंग चल रहा है, तो इसी वजह से हम लोगों को वहाँ से एंट्री करने नहीं दिया। तो अभी हम लोग दूसरे रोड से जा रहे हैं, तो एक गाँव का अंदर से जा रहे हैं। तो गाइस, काफ़ी अच्छा लोकेशन है पास में, देखिए वहाँ पे ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र है ना बोलो? या तो वो पास में देख सकते हैं आप लोग, ब्रह्मपुत्र है। तो हम लोग ये गांव का अंदर से जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू है। हरियाली हरियाली है, हरे भरे खेत, यहाँ पर कुछ कुछ का खेत भी लगाया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर शायद अभी कुछ साग का खेत लगाया हुआ है, हम लोग कर भी रहे हैं खेती में काम। धनिया वनिया का पौधा भी लगाया हुआ है यहाँ पे, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा माहौल है। तो हम लोग दोनों जा रहे हैं अभी अंदर ही अंदर से ट्रेनिंग सेंटर पहुँचेंगे। तो अभी भाई यार मैं जा रहा हूँ आप लोगों को जहाँ पर ट्रेनिंग हो रहा है, तो उस लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं हम लोगों ने स्कूटी यहाँ पे लगा दिया। तो हम लोग दूसरे रोड से घूर के आए हैं, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में जहाँ से एंट्री किए थे ना, वहाँ से हम लोग को अंदर आने का अलाउ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेनिंग चल रहा है लेडीज़ लोग का फिजिकल ना, रनिंग चल रहा है ना, रनिंग रनिंग हो रहा है। तो मेरा ये भाई का भी है 17 को,
तो एक्सरसाइज का है इसका। तो कितना किलोमीटर है तुम्हारा? 1600। इसका 1600 किलोमीटर है। कितना घंटा, कितना मिनट में? 7.5 मिनट में 1600 किलोमीटर। तो इसीलिए ये भी रनिंग करने के लिए आया है। 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर। तो ये पूरा बूट वूट जूता वूता लेके आया, बट यहाँ पर इसको रनिंग करना अभी नहीं मिलेगा, अभी वो दूसरा जगह पे जाके रनिंग करेगा। तो आप लोगों को मैं अभी दिखा रहा हूँ कहाँ पर ट्रेनिंग हो रहा है, वो लोकेशन भी दिखाऊंगा। तो गाइस यही है ट्रेनिंग सेंटर, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ट्रेनिंग था, अभी ख़त्म हो गया। तो अभी हम लोग दूसरी जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा है बालू पे। तो देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे, और मेरा दोस्त यहाँ पर ट्रेनिंग करेगा। दिलीप पूरा एक्साइटेड है ना रनिंग के लिए। तो अभी देखिए इसका हाथ में शू भी है, और मेरा यहाँ पे ग्लूकोन डी, क्या है, ग्लूकोस है ना क्या है, हाँ ग्लूकोन डी है। तो अभी थोड़ा रनिंग करेगा ये, उसके बाद ग्लूकोन डी खाएगा। तो मैं इसका रनिंग देखूंगा कितना सेकंड में कितना मार सकता है। तो इसीलिए मैं आया था, आज संडे भी है तो सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना दूँ। तो पिछले बार भी संडे को ब्लॉग बनाया था, तो मैंने बोला था वीक में एक ब्लॉग आएगा मेरा चैनल पे। तो आज फिर से ये वाला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताना गाइस कैसा लगा ये ब्लॉग। तो आप लोगों को मेरा जो दोस्त है वो रेडी हो रहा है, तो ये यहाँ पर ऐसा बालू पे रनिंग करेगा। देखिए काफ़ी हार्ड है यहाँ पर रनिंग करना, काफ़ी मुश्किल है। तो ये आज यहाँ पर रनिंग करेगा क्योंकि इसका 17 मार्च को ट्रेनिंग है यहीं पे ट्रेनिंग सेंटर पे। तो अभी वो अपना शू लगा रहा है। तो यहाँ पर जो भी बोलो आज मज़ा आने वाला है, मज़ा आएगा ना पूरा फुल। ये टी शर्ट पूरा पसीना से भिगा देना पड़ेगा तुमको, ठीक है? क्या होता है। It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, cause it's hope that dies. गाइस हम लोग पहुंच चुके थे अपना लोकेशन पर, और गाइस यहां पर मेरा दोस्त ने एक अपना रनिंग का 200 मीटर का एक गोल सा सर्कल बना लिया, और वहां पे अभी रनिंग करेगा वो। देखिए वार्म अप कर रहा है थोड़ा सा, काफ़ी मेहनत कर रहा है ये। इसका 17 को यहाँ पर ट्रेनिंग है पानी खेती ट्रेनिंग सेंटर में। तो ये काफ़ी मेहनत कर रहा है एक्सरसाइज के लिए। तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कितना राउंड हुआ? तो 4 राउंड मार चुका है ये भाई मेरा। तो और कितना राउंड लगाना है? एक, हाँ तो लगभग 4 मिनट हो चुका है, वो 4 राउंड लगा चुका है। देखते हैं और कितना राउंड लगा पाता है वो, काफी अच्छा रनिंग करता है वो वैसे। I'll tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm. Even the nights the darkest before the dawn. और फास, और फास। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म। भाई पूरा थक चुका है, इसका बहुत दिन का बाद रनिंग किया था ना, इसी वजह से वो आज ज़्यादा रनिंग करने नहीं सका। तो ये फिर से ट्रेनिंग करते रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइस अपना दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए गाइस बाय बाय। चलो दिलीप बाय 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 बाय।